नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में। तो आज मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक या सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बल विश्लेषण। तो पहले बात करेंगे बल विश्लेषण क्या होता है, बल विश्लेषण के बाद बल निकाय और बल निकाय के टाइप, इनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ पर देखा गया कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जैसे कि आपके 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कभी कभार पूछे रिपीटेड भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी ये समझ लीजिए सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग है, और यहाँ से कुछ पोर्शन आपको न्यूमेरिकल का भी मिलेगा, इसलिए किसी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि यदि आप एक पॉइंट को छोड़ देंगे तो वो पॉइंट कहीं दूसरे पॉइंट से कहीं कनेक्ट होगा तो वहाँ पर दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखने की, चाहे वीडियो 5 मिनट की से लेके आपकी 5 घंटे तक की हो, देखिएगा जरूर और बेनिफिट होगा। क्योंकि यदि आप उसको कंटिन्यूटी बना के देखेंगे, सही से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला रहेगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कंपटीशन का भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि कंपटीशन में भी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोप्लैनर नो कोप्लैनर टाइप के। तो पहले बात करेंगे कि बल विश्लेषण होता क्या है। तो ये है आपका बल विश्लेषण। बल विश्लेषण का मतलब है फोर्स एनालिसिस। फोर्स मीन्स बल, एनालिसिस का मतलब होता है उसके बारे में विश्लेषण करना कि क्या है। तो बल विश्लेषण का, फोर्स एनालिसिस का डेफिनेशन, किसी पिंड पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। तो क्या है यहां पर, बलों का संयोजन, नंबर फर्स्ट है यहां पर बलों का संयोजन और दिशाओं में विघटन। मतलब बल विश्लेषण में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है बलों का संयोजन, क्या होता है, किस टाइप का संयोजन होगा बलों में, और दूसरा रहेगा बलों की दिशाओं में विघटन। अगर बल लग रहा है तो उनकी दिशाओं में विघटन के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बल विश्लेषण में सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात की जा रही है, नंबर फर्स्ट बलों का संयोजन, और सेकंड आ गया बलों के दिशाओं में विघटन। क्योंकि यदि बल लग रहा है तो अभी तक तो आप ये समझ रहे हैं कि बल सीधे लगता था या फिर खड़े में लगता था, या तो बल क्षैतिज लगता था या फिर बल लग रहा है यहां पर हॉरिजेंटल या वर्टिकल, मतलब सीधा या खड़े में। लेकिन यदि बल तिरछा लग रहा हो, भाई मान लीजिए आपने यहाँ पर बल को ऐसे लगा रहे थे या फिर बल को इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, यदि हमने बल को यहाँ लगा दिया ये तिरछा वाला, तो अब इसके लिए कैसे तोड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, इसके तोड़ने का तरीका। तो यही कहा गया है बल विश्लेषण, किसी पिंड पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, तो इसके लिए कहते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों के परिणाम को ज्ञात करना। ठीक है, मतलब उनके क्या है, परिणाम क्या निकल के आएंगे, तो परिणाम को ज्ञात करने की क्रिया को कहते हैं संयोजन। मतलब क्या है कि वहाँ का संयोजन कैसा है, मतलब उस पर टोटल उसका रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है, तो बलों के संयोजन। और दूसरा उसने कहा इसके विपरीत दिए गए निश्चित दिशाओं में घटक ज्ञात करना, मतलब यदि बल लग रहा है तो बल के घटक ज्ञात करना है कि बल अब हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझ में आ गया, लेकिन यदि बल इंक्लाइंड लगा हो तब, तो फिर इंक्लाइंड बल मतलब तिरछे बल को भी आप दो पार्टों में तोड़ते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक आ जाता है आपका वर्टिकल। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन, क्योंकि यहीं से आप यदि इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो आगे के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, डेरिवेशन है, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि तोड़ना, वियोजन, दिशाओं का वियोजन या विघटन, बलों का संयोजन, इन्हीं के बारे में आपको आगे पढ़ना होगा। तो पहली डेफिनेशन आपकी आ गई बल विश्लेषण। बल विश्लेषण में
किसी पिंड पर लगने वाले बलों के संयोजन, मतलब बलों पर जो बल वहां पर लग रहे हैं उनका संयोजन, बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, निश्चित दिशाओं में विघटन ज्ञात करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। तो यहां पर क्या है, बल के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि उनका रिजल्टेंट कैसा होगा, संयोजन कैसा होगा। सेकंड आ जाता है वहां पर बल की दिशाओं के बारे में कि कौन कौन से उसमें किस डायरेक्शन में बल लग रहे हैं। तो आपको ये डेफिनेशन मौखिक याद होनी चाहिए कि किसी पिंड पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। बल विश्लेषण मतलब बल विश्लेषण के लिए सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर फर्स्ट बलों का संयोजन और सेकंड इज दिशाओं का विघटन, बलों की दिशाओं में विघटन, तभी आप इसको इजीली समझ पाएंगे। तो ये आ गया आपका बल विश्लेषण, किसी पिंड पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन करने की क्रिया को कहते हैं बल विश्लेषण। सेकंड आ जाता आपका बल निकाय, बल निकाय क्या होता है, बल निकाय के लिए बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं, मतलब क्या है कि बलों का जो समूह है उसे कहते हैं बल निकाय, अर्थात एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय भी कह सकते हैं। मतलब समूह है, मान लीजिए एक बिंदु है यहां पर, अब आपने यहां से एक बल लगा दिया, फिर दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, मतलब यहाँ पे समूह बन रहा है। समूह का मतलब बल क्या है, वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, समूह संगठन बना रहे हैं, तो वही कहा गया बल निकाय क्या है, बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं, अर्थात एक से अधिक बलों के संयोजन को या समूह को बल निकाय कह सकते हैं। जैसे कि बल निकायों का वर्गीकरण उनकी दिशाओं, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल पर निर्भर करता है। जैसे एक ही समतल पर कार्य करने वाले बलों के समूह, मतलब क्या है, एक ही समतल पर कार्य करने वाले बलों के समूह और विभिन्न समतल पर कार्य करने वाले बलों के असमतलीय समूह, तो ये है। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिए कि यहाँ जो बलों का जो समूह है उसके बारे में अध्ययन करना होता है, वो आपके बल निकाय होता है। मतलब यहाँ पर एक से अधिक बलों के समूह के बारे में अध्ययन करना आपका बल निकाय कहलाता है। अब तल, जहां पर तल की बात आएगी, तो जैसे ये है एक बॉक्स है, इस बॉक्स के तल कितने होंगे, तो इसके तल जो होंगे वो होंगे एक दो तीन चार, मतलब आप यहां पर चार तल हो गए, एक नीचे का तल और एक ऊपर का तल, मतलब इसके पास हो गए छह तल, इस बॉक्स के छह तल हो गए। तो यहां पर उन्होंने जो बात की थी तल की, तो यही तल हैं कौन से, ये वाले जो सरफेस है सतह, इसी को समतल कहेंगे, ये कोर हो गई। तो वो ये कह रहे हैं कि बल निकाय का अध्ययन हम क्या करेंगे, उस तल पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां पे आ गए आपके बल निकाय, बल निकाय का मतलब हो गया बलों के विभिन्न समूहों का बल निकाय, या एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। जहां पर बल निकाय को दो भागों में बांटा गया है, नंबर फर्स्ट समतलीय बल निकाय और सेकंड इज असमतलीय, समतलीय बल निकाय और सेकंड आ जाता है असमतलीय। समतलीय का मतलब जो बल निकाय का समूह, जिन बल निकाय का समूह एक ही तल पे हो, मतलब इसी पे हो, या तो इस पे हो या इस पे हो, चाहे इस पे या इस पे या इस पे या इस पे, किसी भी एक सरफेस पे हो, मतलब सरफेस कितना हो गया आपका, यहां से और ये वाला, तो ये आ गया आपका ये सरफेस, जो ये हमने इसको कलर कर दिया है, ये सरफेस है। तो वो कह रहा है कि इतने एरिया पर जो बल निकाय का समूह कार्य करेगा वो समतलीय होगा,
और असमतलीय, मतलब इस तल पे भी कार्य करे, इस पे भी कार्य करे और इस पे भी कार्य करे, वो हो गया असमतलीय। तो बल निकाय दो भागों में तोड़ दिया, समतलीय बल निकाय जहां पर जो बलों का निकाय है, समूह है, वो एक ही तल पे कार्य करे। सेकंड, जो बलों का समूह है वो अलग अलग तल पे कार्य करे, मतलब समूह है लेकिन वो अलग अलग तरीके पर जुड़ा हुआ है। समतलीय बल निकाय को बांटा गया है तीन भागों में। नंबर फर्स्ट, समतलीय, समतलीय संगामी बल, मतलब तल एक ही है और उसी पर संगामी बल कार्य कर रहे हैं। सेकंड, समतलीय, एक ही तल है लेकिन बल के हैं असंगामी हैं, असंगामी। तीसरा आ जाता है समतलीय, तल एक ही है लेकिन बल यहां पर समांतर हो गए। और असमतलीय बल निकाय, असमतलीय मतलब यहां पर तल है वो अलग अलग हैं, तो असमतलीय संगामी बल, असमतलीय असंगामी बल और असमतलीय समांतर बल। मतलब थोड़ा इसको ध्यान देना इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो ये कंपटीशन में भी नहीं पूछते इस टाइप के क्वेश्चन, एसएससी जेई में पूछा गया है। तो थोड़ा इसको ध्यान देना। बल निकाय, बल निकाय आ गया। बल निकाय क्या होता है? बलों का समूह। समूह में क्या होगा? एक व्यक्ति का समूह नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का समूह होगा भाई। जैसे मान लिए ग्रुप, ग्रुप की बात करते तो ग्रुप में एक व्यक्ति नहीं है, एक उसमें 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200 लोगों का एक समूह हो जाता है, वही समूह कहलाता है या ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर समूह जो है आपका बल निकाय है। बल निकाय का मतलब है एक ऐसा बिंदु या फिर ऐसा बलों का एक समूह जिसे कहते हैं बल निकाय। ठीक है, बलों का एक समूह है जिसे कहते हैं बल निकाय। अब ये समूह किस पे कार्य करता है? समूह कार्य करता है या तो एक ही टाइप के तल पर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तलों पर। मतलब जो समूह है वो या तो आपके इस पे आ जाएगा, और इसमें अगर रहेंगे तो ये क्या करेगा? इस पे भी कार्य करेगा, इस पे भी कार्य करेगा, इस पे भी कार्य करेगा, और ये आपके यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया असमतलीय, इस पे तल एक नहीं होगा, अनेक होंगे, लेकिन इस समतलीय में क्या होगा? तल एक ही होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थोड़ा डीपली, चाहे वो बीटेक का हो चाहे डिप्लोमा का हो, ये क्वेश्चन उसके लिए बन जाता है। और इसमें अगर आप उसको इंग्लिश में इसका नाम देखना चाहें तो इसको कहते हैं आपके सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। तो आपके आ जाते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर सिस्टम, और ये आ जाता है आपका नॉन कोप्लेनर सिस्टम, आपके कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। तो यहाँ पर बल निकाय, बल निकाय को बांटा दो भागों में। समतलीय मतलब जहाँ पर बलों का समूह एक तल पर कार्य करता है, और जहाँ बलों का समूह अलग अलग तलों पर कार्य करता है। अब समूह जो तल एक पर कार्य कर रहा है, मतलब सभी जो समूह है वो एक ही तल पर कार्य कर रहे हैं, इस तल को बांटा गया तीन भागों में। नंबर एक, समतलीय। अब यहां पर देखेंगे, अगर हम बात करें कि यहां पर समतलीय, समतलीय संगामी, ये तल आ गया इस तल पे, ये आ गया, और यहां से ये बल इस पे आ गया, ये बल इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, या इससे जा रहा है, ये इस पे आ गया, तो ये समूह बन गया यहाँ पर। तो ये कहलाएगा समतलीय संगामी बल। मतलब क्या है कि एक तल है किसी भी, आप मान लीजिए इसको आप इसको देख सकते, ऐसे देख सकते हैं, इसका चित्र हमने बना दिया यहाँ पर, ये एक तल हो गया इस तल पर, इस बिंदु पर ये समूह आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ गया और ये आ गया, F1, F2, F3 और F4। तो इस तल पर, एक ही तल पर सभी बल एक जगह जुड़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका संगामी, समतलीय संगामी बल।
मतलब क्या है, एक ही तल पर सभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, समतलीय, तल तो एक ही है लेकिन क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। मतलब तल तो एक आ गया, जैसे मान लो ये तल है, लेकिन एक बल की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, एक बल की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, एक बल की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, एक बल की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। मतलब यह इसका क्या है कि जो इसका तल है भाई, तल तो एक है लेकिन एक बल मान लीजिए इस तरफ चला गया, दूसरा बल इस तरफ भाग गया, तीसरा आ गया यहां पर, चौथा ये आ गया। मतलब इसको ये आ गया आपका इतने में, F1, F2, F3 और F4, तो ये कहलाएगा आपका समतलीय असंगामी बल निकाय। फिर आगे समतलीय, तल एक ही है लेकिन बल क्या है, समांतर है, बल क्या है, सब समांतर हैं। कैसे, मान लीजिए कि आपने यहां पर एक ही तल पे सभी आ गए, ये तल आ गया आपका यहां पर, तल तो एक ही है और क्या है, समतलीय, एक तल आ गया लेकिन बल क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब ये सब समांतर बल आ गए, ये इस तरफ आ गए। भाई बल समांतर है, डायरेक्शन समांतर की नहीं कही भाई, यहां के बीच की, मतलब ये कहा गया कि बल समांतर है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, लेकिन क्या है कि उनके बीच की जो सिमिलर वो है, समांतर, एक दूसरे के समांतर है। तो क्या है, अगर हम इसके बल को बात करें, यहां पर F1, F2, F3, तो ये सब बल समांतर हैं, तो ये कहलाए आपका समतलीय संगामी बल, समतलीय असंगामी बल, समतलीय समांतर बल। तो आशा करते हैं आपको ये तीन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे, अब देखिए एक एक दो और तीन, ये तीनों ही इनसे जुड़े हुए हैं। यदि आपको एक और दो और तीन समझ में आ गए तो ये तीन इजीली समझ में आ जाएंगे। इसलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कि ये होते क्या हैं। मतलब इसमें क्या है, इनके जो वो ये कहते हैं कि यदि एक कोई बॉक्स है, बॉक्स का एक पार्ट है, मतलब ये बॉक्स है, इसका एक तल आ गया, सिर्फ हम इस तल की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें जो तल है, ये आ गया तल, आपने बना दिया यहां पर एक तल, तो ये आ गया आपका यहां पर समतलीय संगामी। मतलब जहां पर बलों की जो क्रिया रेखाएं होंगी वो एक ही बिंदु पर आएंगी, ठीक है, संगामी हो गए। F1, F2, F3 और F4, ये सब क्या, इसी बिंदु पर आके मिल रहे हैं, तो वो हो गया आपका समतलीय संगामी। मतलब एक ही तल पर अलग अलग डायरेक्शन से बल आ रहे हैं और वहां पर आके मिल जा रहे हैं, उसे कहते हैं समतलीय संगामी बल। फिर यहां पे क्या है, सेकंड, समतलीय, तल तो एक है लेकिन बल जो है वो असंगामी है, मतलब बल मिल नहीं रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कहीं दक्षिण। तो ये है, इनको मिलना एक चाहिए था लेकिन क्या है, वो पहली वाली कंडीशन है, लेकिन सेकंड में क्या है, समतलीय, तल तो एक है लेकिन बल जो है वो असंगामी है, कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उसे कहेंगे समतलीय असंगामी बल निकाय। फिर तीसरा आ जाता समतलीय समांतर, मतलब तल एक है लेकिन बल क्या है, वो एक दूसरे के समांतर है, तो वो ये आपकी सिचुएशन, ये आ गई तीसरी वाली सिचुएशन। इसके बाद अब बात करेंगे इसकी समतलीय असमतलीय बल निकाय, मतलब क्या है, तल अलग अलग हैं लेकिन सभी तल क्या हैं, एक निकाय बन रहा है, मतलब तल अलग अलग हैं लेकिन क्या है, संगामी है। तल अलग अलग हैं तो तल अलग अलग का मतलब हो गया कि यहां पर जो तल है, यहां से एक बल आया, एक यहां आया, एक यहां, एक यहां, मतलब इसके जो एक दो तीन, तीन पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन, तीनों से
बल आएंगे और इस कोने पर मिल जाएंगे। तो जब संगामी में पढ़ा था हम लोगों ने कि क्या है कि दो या दो से अधिक बल क्या होते मिलते हैं, तो यहाँ पर मिल रहे हैं, सभी बल आके एक कोने पर मिल रहे हैं, तो इसको कहेंगे समतलीय संगामी बल। कैसे? अगर आप इस चित्र को 3D में बनाएंगे तो 3D में ये चित्र आ जाएगा आपका, ये इसको आप ऐसे बना लो, ये आ गया ये, अब मान लीजिए ये है ये पार्ट, मतलब हमें ये दिख रहा है इतना पार्ट, तो यहां क्या है कि यहां से एक बल आया वो इस पे आ गया, यहां से बल आ गया वो इस पे आ गया, यहां से बल आया सुबह आपके यहां, मतलब इस पे आ गए, ये कोने पे मिल रहे हैं, मतलब यहां से बल आया तो इस कोने को टच कर रहा है, यहां से बल आया तो इस कोने को, यहां से बल आया तो इस कोने को, और ये सभी सरफेस से आके एक कोने पर मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं समतलीय, मतलब असमतलीय, मतलब तल अलग अलग हैं लेकिन संगामी हैं, अलग अलग तल से बल आके एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब चाहे वो किसी भी तल से आए वो एक पॉइंट पर मिलेंगे, सभी बल एक जगह मिलेंगे, तो वो कहलाता है आपका समतलीय असमतलीय संगामी। सेकंड आ जाता है असमतलीय असंगामी। असमतलीय संगामी क्या होगा कि सेम ऐसी डायरेक्शन, ऐसे ही बल यहाँ पे भी लग रहे हैं और यहाँ पे भी लग रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके असमतलीय असंगामी। दाएं बाएं उल्टे सीधे कैसे भी, ये बल यहाँ पे हैं ऐसे यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे भी लग रहे हैं, तो वो बल हो गए आपके असमतलीय असंगामी बल। इस सरफेस पे भी लगेंगे और इस सरफेस पे भी लगेंगे और इस पे भी लगेंगे, तो वो हो गया आपके असमतलीय असंगामी। फिर आ जाता है असमतलीय समांतर बल। मतलब क्या है कि तल अलग अलग हैं लेकिन फिर भी समांतर हैं, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर एक बल यहाँ है, एक बल आपने यहाँ कर दिया, दूसरा बल इसके समांतर ये आ गया, ये इसके आ गया, मतलब ये बल इसके समांतर हो गए। अगर आप इसको खोलोगे तो ये सब एक दूसरे के समांतर आ गए, तो इसे कहेंगे असमतलीय असमांतर बल। मतलब ये सरफेस ही आ गया तो ये इसके सब समांतर है, ये इसके और ये इसके। तो आशा करते हैं कि आपको ये 6 डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसी से कोरिलेटेड आपकी आगे के न्यूमेरिकल होंगे जिन पे बताया गया होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, बल विश्लेषण। बल विश्लेषण किसी बिंदु पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशा में बलों के विघटन करने की जो क्रिया होती है उसे बल विश्लेषण कहते हैं। सेकंड आता है बल निकाय। बल निकाय क्या है? बलों का एक समूह है। बल निकाय में क्या होगा? दो या दो से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। बल निकाय को दो भागों में बांटा गया, समतलीय बल निकाय मतलब ऐसे बल जो एक ही तल पर कार्य करें, और असमतलीय बल निकाय ऐसे बल निकाय जो अलग अलग तलों पर, अलग अलग तलों पर कार्य करें। समतलीय जहां पर एक ही तल पर बल लग रहे हैं वो आपके समतलीय संगामी बल, समतलीय असंगामी बल, समतलीय समांतर बल। एक ही तल पर क्या है, सभी बल आके एक बिंदु पर मिल रहे हैं वो आपके हो गए समतलीय संगामी बल। समतलीय जहां पर सभी एक ही तल पर सभी बल आकर मिले नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बल लगेंगे, तो वो कहलाएंगे आपके समतलीय असंगामी बल। समतलीय समांतर एक ही तल पर होंगे लेकिन बल क्या होगा, सब एक दूसरे के समांतर होंगे, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है लेकिन होंगे सब एक दूसरे के समांतर। तो ये आ गए आपके तीनों एक ही तल पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन में क्या है, बल तो वो कार्य कर रहे हैं सेम वही संगामी बल असंगामी, ये संगामी असंगामी समांतर कार्य तो वही कर रहे लेकिन तल अलग अलग हो गए। तो यहां पर क्या है, मतलब ऊपर से दाएं से बाएं से कहीं अलग अलग डायरेक्शनों से बल आकर एक बिंदु पर मिल रहे हैं, मतलब यहां से ही बल आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, और एक कोने पर मिल रहे हैं, तो वो हो जाता है आपके समतलीय असमतलीय संगामी बल। फिर आ जाता है असमतलीय, अलग अलग कोनों मतलब अलग अलग तलों पर हैं
और असंगामी है, मतलब जैसी ये क्रिया यहाँ पर इस पे लग रही वो यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लग सकती है, तो ये आपके असमतलीय असंगामी बल। और आपके आगे असमतलीय समांतर बल, मतलब तल अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पे भी बल लग रहा है कि यहाँ, लेकिन समांतर हैं, तो वो कहलाते हैं आपके असमतलीय समांतर बल। तो आशा करते हैं कि आपको ये डेफिनेशन ईजी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी क्या मतलब अच्छी लगी होगी, आपको सब्सक्राइब करना है, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट ना कर पाएँ तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और संडे को हम लोग ऑनलाइन क्लास में आएंगे, जहाँ पर स्टार्ट करेंगे 12 या 1 के बीच में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी, जहाँ पर जितना भी हफ्ते में जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसको ऑनलाइन के माध्यम से एक बार फिर उसको रिपीट कर दिया जाएगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।